Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग इंग्लिश का एक और चैप्टर पढ़ते हैं, अ प्रेयर फॉर हीलिंग। अब देखिए प्रेयर करने का मतलब क्या होता है, आप जब भगवान की पूजा करते हैं तब आप प्रेयर करते हैं, मतलब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। और हीलिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का इलाज करना, किसी चीज का चिकित्सा करना, किसी को ठीक करना। तो आप क्या चीज का प्रेयर कर रहे हैं कि कुछ ठीक हो जाए। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट रिलीजियंस हैव प्रेड टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, द सन, मून, स्टार्स, अर्थ, विंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्राचीन समय से विश्व के अलग अलग हिस्से से, पूरे विश्व के हर एक कोने से अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रिलीजन, जाति के लोग क्या करते हैं, नेचर, प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि सन हुआ, मून, स्टार्स, अर्थ, विंड, वाटर बॉडीज, प्लांट, एनिमल, उनकी वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। दिस इज बिकॉज मैन हैज रिकॉग्नाइज्ड देयर इंपॉर्टेंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। ये इसलिए क्योंकि जो मनुष्य है वह इनका महत्व बहुत ही पहले से समझ पाया। द अर्थ इज आवर होम, आवर ओनली होम। अर्थ जो है, धरती, वह हमारा घर है, इकलौता घर। बट हैव वी बीन गुड टू इट, लेकिन क्या हम लोग उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर पाए, हम लोग उसके साथ अच्छे से रह पाए। डू वी थिंक ऑफ प्रोटेक्टिंग इट, क्या हम उसको बचाने का सोचते हैं। डू वी थिंक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट, क्या हम लोग उसका ख्याल रखने का सोचते हैं। अ प्रेयर फॉर हीलिंग इज अ पोयम अबाउट द अर्थ एंड अबाउट अस। अ प्रेयर फॉर हीलिंग ये क्या है, कविता है जिसमें धरती और हमारे बारे में लिखा गया है। इट इज एन अपील टू ऑल द पीपल अराउंड द ग्लोब टू मेक अ कलेक्टिव एफर्ट टू हील द अर्थ। ये एक अपील है, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ये प्रार्थना किया जा रहा है कि दुनिया के हर एक कोने से हर एक इंसान क्या करे, एक साथ मिलके एफर्ट दे कि धरती को ठीक किया जा सके, क्योंकि धरती जो है वो काफी बीमार हो चुकी है। लेट अस रीड इट, आइए हम लोग इसको पढ़ें। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं और हमारे वीडियो से पढ़ चुके हैं पहले, तो आपको पता होगा हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या चीज है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ एंड रिलेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज। प्लैनेट अर्थ, धरती, और उससे रिलेटेड जो पर्यावरण की समस्याएं हैं उसका महत्व आप समझ पाएंगे। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज बाय राइटिंग लेटर्स, स्लोगन्स एंड थ्रू डिस्कशंस। आप हमारा जो पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं उसको पत्र के द्वारा, स्लोगन्स के द्वारा, डिस्कशंस के द्वारा लोगों को जागरूक कर पाएंगे। रीड एंड एंजॉय अ पोयम, आप एक पोयम पढ़ेंगे और उसका आनंद लेंगे। एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया इन द पोयम, अब ये जो पोयम आप पढ़ेंगे इसका केंद्र बिंदु क्या है, इसमें समझाया क्या जा रहा है, वह आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। जस्टिफाई द चॉइस ऑफ वर्ड्स इन द पोयम, इस पोयम में जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वह क्यों किया गया है उसको आप जस्टिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द रिफ्रेन इन अ पोयम और सॉन्ग, एक पोयम हो या एक गाना हो उसमें जो रिफ्रेन किया जाता है उसको आप पकड़ पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, ग्रामर पोर्शन में हम लोग एक न्यूज़पेपर में के एडिटर को पत्र लिखना सीखेंगे। एंड एनहांस योर वोकैबुलरी, साथ ही साथ आप अपना वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब ये जितना कुछ है ये एक वीडियो में नहीं बनेगा, बहुत सारा वीडियो लाइन से होगा, पार्ट वन, पार्ट टू, इस तरह से करके। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन के थ्रू पढ़ें, और अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। चलिए आइए अब हम लोग पोयम पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, समझिए। 19.1, लेट अस रीड द टेक्स्ट। अ प्रेयर फॉर हीलिंग, प्रार्थना हो रहा है क्या चीज का, ठीक करने का। हम लोग किसको ठीक करेंगे, धरती, उसके पर्यावरण को। वी ज्वाइन विद द अर्थ एंड विद ईच अदर टू ब्रिंग न्यू लाइफ टू द लैंड, टू रीस्टोर वाटर्स, टू रिफ्रेश द एयर।
हम लोग धरती के साथ और एक दूसरे के साथ मिलकर इस धरती में नया जन्म लाएंगे। यहाँ पे जो पानी है उसको ठीक करेंगे, जो हवा है उसको ठीक करेंगे। रीस्टोर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को वापस उसी रूप में लाना जैसे वो पहले था। पानी, हवा, जब ये धरती का आरंभ हुआ तो ये बहुत स्वच्छ थी, बहुत साफ थी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन आज ये बहुत ही दूषित हो गई है। We join with the earth and with each other to renew the forest, to care for the plants, to protect the creatures. हम लोग धरती और एक साथ मिलके क्या करेंगे? Renew the forest. Renew करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ठीक करना। हम लोग जंगलों को काट चुके हैं तो हम लोग फिर से जंगल बनाएंगे। हम लोग प्लांट्स का ख्याल रखेंगे। हम लोग जो जानवर हैं, जो क्रिएचर्स हैं, जो लोग धरती पर रहते हैं, उनको सुरक्षा करेंगे। We join with the earth and with each other to celebrate the seas, to rejoice the sunlight, to sing the song of the stars. हम धरती और हम लोग एक साथ मिलकर जो सी है, समुद्र का किनारा, वहाँ पे आनंद करेंगे, वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। जो सूर्य की रोशनी है उसका आनंद लेंगे। हम लोग जो तारा है उसके गाना को गाएंगे। We join with the earth and with each other to recreate the human community, to promote justice and peace, to remember our children. हम धरती और हम लोग एक साथ मिलकर क्या करेंगे? इंसानियत को फिर से लाएंगे। जस्टिस जो सही है, पीस जो शांति है, वो प्रमोट करेंगे। सबको बोलेंगे कि सही करो और शांति भावना से रहो और अपने बच्चों को याद करेंगे। We join with the earth with each other. We join together as many and diverse expressions of one loving mystery or for the healing of the earth and the renewal of all life. हम धरती और हम सब मिलकर क्या करेंगे? एक साथ होंगे और अलग अलग जो एक्सप्रेशंस है, अलग अलग जो लोग हैं, उनको जोड़ेंगे। जो प्यार का रहस्य है, जो धरती को हम लोग को ठीक करना है और इसमें जिंदगी वापस लाना है। तो प्रेयर फॉर हीलिंग क्या है? धरती को किस किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा जीवन कैसे ला सकते हैं, ये कैसे मुमकिन होगा, इसके बारे में पढ़ना। और ये तभी होगा जब सब मिलकर इस धरती के लिए सोचे और हर एक एक चीज का ध्यान दें।